हेलो फ्रेंड्स, मैं संस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैदिक अंक चार्ट की सीरीज चल रही है, पहले युति बताई थी, फिर सामने आमने की दृष्टि बताई थी, अब ये चौकोर दृष्टि बताता हूं आपको। इधर बैठा घर, अगर इधर कोई नहीं बैठा हो तो इसको देखता है उसका क्या इम्पैक्ट आता है। देखो बहुत ज़्यादा इसमें मैजिक कुछ नहीं है, समझने की बात है। अगर ये जुपिटर का नंबर है, ये शनि आपके कर्म का कारक है, तो कुछ बेटर होने जा रहा है। बता देता हूँ क्या क्या हो, इसमें क्या क्या रिजल्ट आने की संभावना है। ये गुड काउंसलर और कंसल्टेंट बनता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि देखिए ये कर्म है और जुपिटर ज्ञान विजडम है आपकी, तो ये बहुत अच्छा काउंसलर बन सकता है ऐसा व्यक्ति, और कंसल्टेंट बहुत अच्छा बन सकता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। शनि बहुत ही पंक्चुअलिटी से रिलेटेड प्लैनेट है और शनि गंभीरता को दिखाता है, और जब जुपिटर से उसका मिलन होता है तो व्यक्ति, क्योंकि जुपिटर एक धर्म है तो उसका पूरा, और ये एकाग्रता है शनि, तो पूरा प्रभाव उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में मिल जाएगा आपको। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अकल्ट साइंस में भी इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जुपिटर है ना वेद अकल्ट साइंस को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ज्ञान है विजडम है तो शनि कर्म है, तो जब इनका आपस में कनेक्शन बन रहा है तो ये अकल्ट वर्ल्ड में बहुत सक्सेस दिला सकता है। सक्सेस आफ्टर हार्ड वर्क, क्योंकि जुपिटर ने शनि को देखा तो एक बात तो साफ साफ है, सफलता तो आपके पास आनी है, क्योंकि शनि हार्डवर्क से सफलता देता है, तो हार्डवर्क के बाद आएगी सफलता। दोस्तों नेक्स्ट युति की बात कर, नेक्स्ट दृष्टि की बात करता हूं, चौकोर दृष्टि बोलते हैं इसको। गुड ह्यूमेटेरियन होगा अगर 9 और 8 की युति होगी। 9 और 8 अगर इस तरह से एक दूसरे को देख रहे हैं तो वो गुड ह्यूमेटेरियन होगा, एवरेज सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, कोई बहुत अच्छी युति नहीं कह सकते, क्योंकि देखो दो विरोधी ग्रह हैं, बट फिर भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे। अनेबल टू टेक डिसीजन, तो कहीं ना कहीं डिसीजन में एक दूसरे को फंसा देंगे, क्योंकि है तो आपस में एंटी प्लेनेट, कहीं ना कहीं डिसीजन में इनको फंसा देते हैं ऐसे व्यक्ति को, और उसको जो भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है, क्योंकि देखो मार्स एक्शन है और जुपिटर आपका कर्म है, तो कहीं ना कहीं काम तो करेगा, करवाएगा उस व्यक्ति से, बट जो काम करेगा उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा, सफलता का जो सहारा किसी और के सर पे बन जाता है। और तीसरी हम दृष्टि देखते हैं 1 और 4 की। ये 1 नंबर आपका सन का है, 4 नंबर राहु का है, यहाँ बीच में प्लैनेट नहीं होने चाहिए, सीधा देखेगा सूर्य राहु को। ऐसे में फैमिली टेंशन, क्योंकि देखो राहु टेंशन तो है, सूर्य आपकी आत्मा है, जब जुड़ेगा तो फैमिली टेंशन क्रिएट कर देगा, कैरियर में अप एंड डाउन क्रिएट कर देगा, एक्सट्रीम ईगोलेस अपॉर्चुनिटीज और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करवा देगा, जो बिल्कुल ऐसी जगह खर्चे करवा देगा जहां पे कोई यूज नहीं होना उस खर्चों का, तो बहुत अच्छी इसको दृष्टि नहीं मानेंगे। अब है 1 और 2 नंबर की दृष्टि, यहां पर भी बीच में कोई प्लैनेट नहीं होने चाहिए, 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, ये मूड स्विंग्स को रिप्रेजेंट करता है, ये सेंसिटिव इन नेचर, ऐसा व्यक्ति बहुत ही सेंसिटिव होगा, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे होंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा। फैमिली टेंशन यहां पे भी क्रिएट हो रही है और अप एंड डाउन कैरियर में यहां पर भी मिलता है। अब बात करते हैं 2 नंबर और 5 नंबर, अगर ये आपस में एक दूसरे को देख रहे हो चौकोर दृष्टि से, उसके क्या रिजल्ट रहेंगे। बहुत अच्छे नहीं रहने वाले, क्योंकि चंद्रमा है मन और 5 नंबर यानी मरकरी है लॉजिक, बट कुछ बेटर रिजल्ट रहेंगे, कुछ मिक्स रिजल्ट रहेंगे। इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स, तो ये स्पिरिचुअलिटी के सब्जेक्ट में ना थोड़ी आपकी इंक्लिनेशन बढ़ाता है। इमोशनल एंड सेंसिटिव, ये थोड़ा इमोशनल, क्योंकि चंद्रमा आपके इमोशंस को गवर्न करता है, तो इमोशन और सेंसिटिविटी तो जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगी। टू मच डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, और कैन नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ये दोनों एक दूसरे के बहुत कंफर्टेबल प्लैनेट नहीं है एक दूसरे से, थोड़े इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, जैसे 3 और 1 हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए बने हुए, 3-9 भी ठीक है एक दूसरे के साथ, पर यहाँ पे हालांकि दोनों मतलब सोमी ग्रह कराएंगे, अच्छे ग्रह कराएंगे, बट थोड़ा नेचर में एक दूसरे के विपरीत है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है। यहाँ 3 और 5 की बात कर रहा हूं, पुअर कम्युनिकेशन स्किल, तो जब 3 और 5 का आपस में दृष्टि संबंध बनता है तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं रहती,
फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी देगा ये, एवरेज लॉजिकल इंटेलिजेंस और पुअर हेल्थ, बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे भी नहीं कहे गए। 6 और 4 की बात करते हैं, ये थोड़ा 4 नंबर पैशन है, राहु है, और 6 नंबर आपकी इच्छा है, और 4 नंबर उसका इच्छाओं का विस्तार है। यहाँ कुछ अच्छा देखने को पक्का मिलेगा, गुड फाइनेंशियल सक्सेस, ये फाइनेंशियल सक्सेस की स्टोरी बनेगा, क्योंकि 6 नंबर फाइनेंशियल फाइनेंस को भी बोलते हैं, और 4 नंबर उसको बढ़ाने वाला ही मटेरियलिस्टिक प्लेनेट है, बढ़ाएगा कंफर्ट्स एंड लग्जरी इन लाइफ। ये क्योंकि अगर फोन खरीदने जाएगा ना ऐसा व्यक्ति, तो एप्पल से कम फोन पे हाथ नहीं रखेगा। अगर इवन वाइन शॉप में जाएगा तो टॉप की वाइन लेके आएगा, 4-5 हजार रुपए से कम विस्की की बोतल भी नहीं लेके आएगा, क्योंकि राहु है ना, वो इच्छाओं का विस्तार है, बहुत टॉप ब्रांड की तरफ ले जाएगा उसको। चांसेस ऑफ फैमिली टेंशन, हाँ फैमिली में जरूर, क्योंकि 6 नंबर लग्जरी हम की फैमिली लाइफ को गवर्न करता है, वहां 4 नंबर के इंटरफेस अच्छे नहीं है, अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाले। गुड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि 6 नंबर आपकी फाइनेंस को भी गवर्न करता है, उसमें 4 नंबर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लास्ट में आते हैं हम 6 और 9 की पे, मल्टीपल रिलेशनशिप को, क्योंकि मैंने बोला ना ये 6 नंबर क्या है, ये आपकी फैमिली लाइफ है, और मार्स बहुत बड़ा कारक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, मार्स और राहु यहां पर भी कुछ ना कुछ असर देगा, और यहां पर भी इस बात को डिले मैरिज, मैरिज को भी डिले कर देगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाएगा। कुछ सलमान खान जी की कुंडली देखना तो कुछ कुछ वहां समझ में आ जाएगा ये चीज आपको। गुड फाइनेंशियल सक्सेस, बट फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, क्योंकि मार्स एक्शन है और वो फाइनेंस है 6 नंबर, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फाइनेंस में बहुत सक्सेस मिलने वाली है आपको। हार्ड वर्क, क्योंकि मंगल हार्ड वर्क है, लाइक सैटर्न मंगल भी एक्शन है तो मेहनत है, तो वहां पे हार्ड वर्क बहुत करवाएगा आपसे। तो दोस्तों एक रेट्रो प्लैनेट के ऊपर यानी चकोर दृष्टि के ऊपर ये वैदिक अंक चार्ट की सीरीज थी, आज उसका ये लास्ट वीडियो था, एक वीडियो और रह गया इसमें, तो वो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंटेशन आएगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं भृगुनंदी नाड़ी न्यूमरोलॉजी के और एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज कराता हूँ, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो मेरे यूट्यूब चैनल में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक्स फ्रेंड।